आप देख रहे हैं जेके न्यूज टुडे। पेश है दिन भर की अहम खबरें। जम्मू में ओबीसी से वाबस्ता अफराद सड़कों पर अर्बन लोकल बॉडीज के इंतखाबात में रिजर्वेशन न होने पर किया एहतजाज। मैं बलवंत कटारिया हूँ, जनरल सेक्रेटरी ऑफ इंडिया बैकवर्ड क्लास फेडरेशन जम्मू एंड कश्मीर यूनिट। आज का जो प्रोटेस्ट है, ये सभी ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं जम्मू कश्मीर में, वो मिलके कर रही हैं, जॉइंटली कर रही हैं। इसमें ओबीसी महासभा के रिप्रेजेंटेटिव हैं और सभी सभाओं के जो क्षेत्रीय सभाएँ हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव भी हैं। आज का प्रोटेस्ट इसलिए है कि जो अर्बन लोकल बॉडीज़ की इलेक्शन अनाउंस हुई है रिसेंटली, उसमें एतराज़ ऑब्जेक्शन दायर करने की आज लास्ट तिथि है। तो हमारी जो ऑब्जेक्शन थी वो हमने दायर की है, हम तो कल के कर चुके हैं। और जो इलेक्शन कमीशन साहब से डिस्कस हुआ तो हमें ये लगा कि वो उनका ये कहना था कि ओबीसी की सीटें रक्षित करना इस इलेक्शन में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनके पास ऐसा कोई प्रावधान नहीं। फनकारों को प्लेटफार्म फराहम करने के लिए हुकूमत हर तरह की इकदाम करेगी। सेक्रेटरी टूरिज्म, जो भी सरकार की तरफ से असिस्टेंस या फैसिलिटेशन चाहिए होगी हमारे आर्टिस्ट को, ये हमारा सबसे सेंसिटिव तरीन तबका होता है समाज का, सोसाइटी का। इसलिए सोसाइटी को, आर्टिस्ट को, आर्ट के कॉन्सर्स को, इनको इनकरेज करना पड़ेगा और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। पीडीडी इंजीनियर्स ने जम्मू में हुकूमत के खिलाफ किया एहतजाज। जम्मू कश्मीर वुमेन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की ओर से बांडीपुरा में अक्लियती मालियाती कॉरपोरेशन स्कीम के तहत बेदारी और लोन मेले का इनेकाद। बरजला श्रीनगर फ्लाईओवर पर तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर नीचे गिर गई, एक शख्स जख्मी। रेलवे ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने किया रेलवे स्टेशन जम्मू पर जबरदस्त एहतजाज। जिंदाबाद,